आज हम बात करेंगे इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म कंगवा के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे तमिल सुपरस्टार सूर्या लॉर्ड, बॉबी देओल, दिशा पाटनी, शिवा सर के डायरेक्शन में बनी फिल्म कंगवा का टीजर पिछले दिनों रिलीज हुआ था, जिस टीजर को देखने के बाद हिंदुस्तान की जनता पूरी तरह से इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों, मैंने भी कंगवा का टीजर जब देखा तो मैं देखकर पूरी तरह से हैरान हो गई, क्योंकि यहाँ पर टीजर में जिस तरह का विजुअल और जिस तरह की दुनिया फिल्म के डायरेक्टर ने दिखाई है, उसे देखकर लगता है कि ये इंडिया की नहीं बल्कि किसी हॉलीवुड की बड़ी फिल्में। जी हाँ, फिल्म विजुअली देखने में तो काफी ज्यादा ग्रैंड लग रही है, और फिल्म में जिस तरह के सोर्स दिखाए हैं, जिस तरह डायरेक्टर ने अपनी इमेजिनेशन को प्रेजेंट किया है, उसे देखकर साफ पता चलता है कि ये फिल्म एक भारी भरकम बजट की बनी फिल्म है, जो कि ऑडियंस के लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस होने वाली है। अब इस टीजर में सूर्या सर का जो लुक है वो पूरी तरह से कमाल का है, और उनकी पिछली फिल्मों से वो काफी हटकर और काफी खूंखार नजर आ रहे हैं। वैसे भी सूर्या सर को इससे पहले रोलेक्स के कैरेक्टर में पूरी दुनिया ने पसंद किया था, और जब से ही उनकी अगली फिल्म का इंतजार है हर कोई बेसब्री से कर रहा है, और लग रहा है कि अब तो सूर्या कंगवा फिल्म के जरिए बॉक्स ऑफिस पर एक धमाकेदार शुरुआत करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर टीजर में हमें बॉबी देओल भी बिल्कुल खूंखार अवतार में देखने को मिल रहा है, और वापस से ऐसा लग रहा है कि एनिमल के बाद एक बार फिर से बॉबी देओल एज ए विलन के किरदार में सबका दिल जीतने में कामयाब होंगे। हालांकि टीजर में सूर्या और बॉबी देओल दोनों कमाल के लग रहा है, लेकिन मैं इंतजार इसलिए कर रही हूँ कि जब ये फिल्म रिलीज होगी और फिल्म के अंदर हमें सूर्या और बॉबी देओल का फेस ऑफ देखने को मिलेगा, इन दोनों के बीच के जो एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे वो कितने खतरनाक होंगे, इसका अंदाजा आप अभी से ही लगा सकते हो। तो यहाँ पर कंगवा का टीजर देखने में टेक्निकली ब्रिलियंट है, विजुअली काफी बढ़िया है, साथ ही साथ इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी पूरी तरह से घूसबम देने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि इस फिल्म के म्यूजिक कंपोजर है डीएसपी, जो इससे पहले पुष्पा का म्यूजिक दे चुके हैं। यहां पर कंगवा का टीजर जितना पावरफुल और ब्रूटल है, उसे देखकर लग रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से धमाका करने वाली है। जी हां, बाहुबली केजीएफ और पुष्पा के बाद कंगवा ऐसी फिल्म होगी जो कि पैन इंडिया मार्केट में धमाकेदार कमाई करने का दम रखती है। क्योंकि फिल्म में है रोलेक्स यानी कि सूर्या सर, जिन्हें हम ऑलरेडी ओरिजिनल सिंघम और भी बहुत सारी फिल्मों में देख चुके हैं, और इस वक्त उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि हिंदी मार्केट में भी काफी सॉलिड है। और सूर्या सर पहली पैन इंडिया फिल्म लेकर आए हैं, तो हिंदी ओसियंस के बीच में भी इस फिल्म को लेकर जो एक्साइटमेंट है वो काफी अच्छी जनरेट हो चुकी है। प्लस फिल्म में बॉबी देओल भी हैं, तो बॉबी देओल की वजह से भी इस फिल्म को हिंदी मार्केट में एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पर फिल्म साउथ लैंग्वेजेस हो या हिंदी मार्केट हो, पूरी तरह से इंडिया के अंदर हर एक सिनेमाघर को हाउसफुल करने का दम रखती है। हालांकि टीजर इतना भयंकर है तो ट्रेलर कितना शानदार होगा, और ये सब कितनी जबरदस्त होगी, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो कंगवा का टीजर देखने के बाद तो यही कहूंगी कि ये फिल्म सूर्या सर के कैरियर के सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने वाली है। वैसे आपको कंगवा फिल्म का टीजर कैसा लगा और आप मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी और भी ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।